हाउ टू चेंज यूपीआई पिन इन फोन पे। दोस्तों अगर आप लोग भी अपने फोन पे का यूपीआई पिन चेंज करना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को बिना स्किप कर देखते रहिए, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं किस तरीके से आप अपने फोन पे अकाउंट का यूपीआई पिन कैसे चेंज कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग भी फोन पे में अपना यूपीआई पिन चेंज करना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए। सबसे पहले आपके मोबाइल में जो फोन पे का एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन करना होगा। चलिए ओपन कर लेते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपने लॉक लगा के रखा होगा तो पहले लॉक खोल लीजिएगा, अगर लॉक नहीं होगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे गौर से तो नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिस पे लिखा है माय मनी। देखिए ये लिखा हुआ है माय मनी, ये वाला सिंपल आपको माय मनी पे क्लिक करना होता है। चलिए क्लिक कर देते हैं। जब क्लिक कर देंगे माय मनी पे तो आपके सामने ऐसे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। सिंपल आपको नीचे आना है तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है पेमेंट का, ये वाला। और यहाँ नीचे लिखा है बैंक अकाउंट, ये देखिए ये पेमेंट में लिखा हुआ बैंक अकाउंट। आपको सिंपल यूपीआई पेमेंट यूपीआई बैंक अकाउंट यहाँ पे क्लिक करना है। जैसा क्लिक कर देंगे आप तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मेरे फोन पे में दो बैंक अकाउंट ऐड हैं, हो सकता है आपके में दो हो, तीन हो या एक हो। अब जिस भी बैंक अकाउंट का आपको यूपीआई पिन चेंज करना है उस बैंक अकाउंट का आपको क्लिक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन चेंज करना चाहता हूँ, ये वाले बैंक का, ठीक है। आप जिसका भी करना चाहें उसका आपको क्लिक करना होता है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। आपको अपने बैंक अकाउंट क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसे कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं। तो यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर सिंपल आपको लिखा हुआ है यूपीआई पिन और यहाँ लिखा है, देखिए एक लिखा है रीसेट और एक लिखा है यहाँ पे आप देख पाएंगे चेंज। अगर आप दोस्तों अपने यूपीआई पिन को भूल जाते हैं तो यहाँ रीसेट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज पर क्लिक कर सकते हैं। तो अपन जो वीडियो बना रहे हैं आपको सिखा रहे हैं वो बता रहे हैं हम चेंज कैसे करना है। तो आपको चेंज पर क्लिक करना है। जब चेंज पर क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, यहाँ पर प्लीज वेट लोडिंग आएगी, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। तो यहाँ लिखा है इंटर यूपीआई पिन। तो दोस्तों जो आपका पहले का यूपीआई पिन है पहले आपको वो वाला पिन यहाँ डालना होगा, मतलब जो भी आपका पहले का यूपीआई पिन है यहाँ पे वो डालिएगा। चलिए मैं अपना पहले वाला यूपीआई पिन यहाँ डाल देता हूँ। मैं स्क्रीन को थोड़ा ब्लर कर देता हूँ जिससे कि मेरी इन्फॉर्मेशन मिसयूज ना हो। ये मैंने दोस्तों पहले वाला यूपीआई पिन डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप जो भी अपना नया यूपीआई पिन बनाना चाह रहे हैं वो आपको डालना होगा। चलिए मैं नया यूपीआई पिन यहाँ डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया है, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे अपन डाल देते हैं। ये हमें अपना नया यूपीआई पिन डाल दिया है। दोस्तों यूपीआई पिन चेंज करने की जरूरत कब पड़ती है, जब आपको किसी को यूपीआई पिन चल जाता है पता तो उसका मिसयूज ना करे इसलिए अपन यूपीआई पिन चेंज करते हैं, या अपन ने कोई डिफिकल्ट यूपीआई पिन सेट कर रखा होता है जिससे उनको टाइप करने में प्रॉब्लम आती है, उस कंडीशन में अपन अपना यूपीआई पिन चेंज करते हैं। तो यहाँ आपको आपको पुराना वाला यूपीआई पिन डालना होगा और यहाँ पे आपको नया वाला डालना होगा, ठीक है। अब सिंपल नहीं, आप देख पाएंगे यहाँ पे राइट का बटन दिया हुआ है, आपको राइट पे क्लिक करना है। जब राइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ लिखा है कन्फर्म यूपीआई पिन। तो उसको आपको बताना चाहूँगा जो आपने पहले डाला हुआ है वो यहाँ पे फिर से डालिएगा कन्फर्म करने के लिए। चलिए मैं डाल देता हूँ मेरा। डालने के बाद आपको नीचे बटन देखने को मिलता है राइट वाला, यहाँ पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा, प्लीज वेट। आप देख पा रहे हैं लोडिंग हो रही है अभी, तो आप देख पाएंगे आपका जो यूपीआई पिन है सक्सेसफुली अपडेट यूपीआई पिन हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि मैसेज लिखा आया था तो आपका यूपीआई पिन चेंज हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग फोन पे में अपना यूपीआई पिन को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आप सीख गए होंगे किस तरीके से आपको फोन पे से अपना यूपीआई पिन को चेंज करना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आपके हाथों को निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।